কিন্তু আমায় হিন্দি এবং ইংলিশে বলার একটু এখানে প্রয়ত্ন করতে হবে, কেন কি বাকি আমাদের মেম্বাররা বাংলা বলতে পারে না। বাট আই রাইজ টুডে স্যার টু অ্যাপ্রিশিয়েট ইয়োর কনসার্ন উইথ রিগার্ডস টু দ্য নিউট্রিশনাল চ্যালেঞ্জ ফেস বাই উইমেন অ্যান্ড চিলড্রেন অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি। দিস হাউস ইজ উইটনেস দ্যাট টু ডেজ স্যার under your leadership we discussed issues pertaining to safety and security of children, and today sir you have initiated a concern, a talk amongst our members of parliament with regards to nutritional security for children. Aur adhyaksh mahoday vishesh roop se aabhar aapke prati isliye vyakt karti hu ki pure vishw mein har saal august 1 se lekar august 7 tak world breastfeeding week manaya jata hai। आज इसी सप्ताह में आपने न्यूट्रिशन के ऊपर अपनी चिंता को व्यक्त करके हमें कृतज्ञ किया है, क्योंकि बच्चे के जीवन के पहले हजार दिन उसे कुपोषण से बचा सकते हैं। आपके माध्यम से पूरे सदन के मेंबर्स को मैं आग्रह करना चाहती हूं कि प्रत्येक राज्य में फूड और न्यूट्रिशन बोर्ड जिलावार, ब्लॉकवार, गांववार ब्रेस्ट फीडिंग को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, ताकि बच्चा पहले जन्म के पहले एक घंटे में ही माँ से पौष्टिक गाढ़ा दूध प्राप्त करे। इसमें अगर सारे के सारे सदन के हमारे मेंबरान अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहाँ कहाँ ब्रेस्ट फीडिंग वीक को मनाया जा रहा है, अथवा अगर आपको लगता है कि प्रॉपरली मनाया नहीं जा रहा, तो मुझसे संपर्क करें ताकि हम आपकी भागीदारी उसमें भी सुनिश्चित कर सके। अध्यक्ष महोदय, आपने उल्लेख किया पोषण अभियान का, जो शुरुआत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी पोषण के संदर्भ में मात्र तभी चिंतित हुए जब वो प्रधानमंत्री बने? ऐसा नहीं, जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कई ऐसे कार्यक्रम किए, जिनमें से एक का मैं विशेष उल्लेख करना चाहती हूं, जिसे सांसद बिना किसी कॉस्ट के आज अगर चाहें तो अडेप्ट कर सकते हैं, वो है तिथि भोजन। जब मुझे आशीर्वाद मिला कि मैं प्रकाश जी जैसे, निशंक जी जैसे शिक्षा मंत्रालय में थी, तो साल 2015 में मैंने सभी राज्यों से, सभी सांसदों से ये अपील की थी कि तिथि भोजन के कॉन्सेप्ट को आप एक्सेप्ट करें। तिथि भोजन है क्या? हम सब अपने परिवारों में जन्मदिन या फिर किसी प्रियजन का जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, क्या हम मिड डे मील के अंतर्गत सरकारी स्कूल में या आंगनवाड़ी में जितना पैसा केक काटने में, मिठाई बांटने में खर्चा करते हैं, उतने ही पैसे में एक स्पेशल मिड डे मील, तिथि भोजन हम अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं? और क्या इसके लिए हम बाकी जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में प्रोत्साहित कर सकते हैं? सभी सांसद, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, अन्य ऐसी स्वयंसेवी संस्थानों के साथ काम करते हैं। सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में किसी न किसी फैक्ट्री ओनर को जानते हैं, किसी न किसी वेलफेयर एसोसिएशन को जानते हैं, ट्रेड एसोसिएशन को जानते हैं, क्या हम उनसे भी, अपने अपने क्षेत्र के दिग्गजों से भी अपील कर सकते हैं कि वो तिथि भोजन का कॉन्सेप्ट, ये वॉलंटरी कॉन्सेप्ट है, इसे किसी पे थोपा नहीं जा सकता, लेकिन हम सब इतने संवेदनशील हैं कि हमने इस प्रकार के कोई ना कोई आयोजन किए हैं। अगर हम अपने से शुरुआत करते हैं तो मुझे निश्चित इस बात का आभास है कि आपके क्षेत्र में बाकी लोग भी आपके चलन को देखते हुए इस विषय को अपनाएंगे। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि जनभागीदारी बने। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में 14 लाख फील्ड फंक्शनरीज न्यूट्रिशन के संदर्भ में, पोषण के संदर्भ में देश भर में काम कर रहे हैं। 7,075 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। आपके माध्यम से सभी सांसदों से मैं अपील करती हूं, हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हैं, पोषण अभियान मात्र WCD का कार्यक्रम नहीं है, मात्र प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम नहीं है, इसमें भारत सरकार के 15 मंत्रालयों का समन्वय से योगदान होता है, नीति आयोग के साथ साथ। मेरा आग्रह है, हेल्थ मिनिस्ट्री कोशिश कर रहा है अनीमिया मुक्त भारत के लिए, P3 नाम का एक हेल्थ मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है,
ताकि महिलाएं और बच्चे एनीमिया से मुक्त हों. एडोलेसेंट गर्ल्स के साथ साथ एडोलेसेंट बॉयज में भी ये पाया जाता है. क्या आप जब अपने डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग करते हैं दिशा की, तो विशेष T3 कार्यक्रम के बारे में क्या अपने हेल्थ ऑफिसर से आप जानकारी ले सकते हैं? हर गांव में अध्यक्ष महोदय विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी का गठन होना अनिवार्य है. क्या आप अपने क्षेत्र में पूछ सकते हैं कि मेरे क्षेत्र के सभी गांव में क्या विलेज हेल्थ सैनिटेशन और न्यूट्रिशन कमेटी का गठन हुआ है? तीसरा, अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से अपील करना चाहती हूँ, हर गांव में हर माह विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे मनाना हमारी ओर से प्रस्तावित है, हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से प्रस्तावित है. अगली बार जब आप अपने क्षेत्र में जाएं, तो क्या आप अपने क्षेत्र में मासिक एक ही दिन मनाना है, क्या उसमें आप भागीदारी दे सकते हैं? कोल्लंदा कह रहे हैं 17 जून से मैं यहीं पे हूं, मैं कैसे जाऊं? मुझे लगता है उनकी राजनीति मात्र तब तक सीमित नहीं हो जाती जब तक वो सदन में है. उनके कई ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जो महिला और बच्चे के उत्थान के लिए अपनी अग्रिम भूमिका निभाना चाहते हों. MPs आर इन्फ्लुएंसर्स ऑल्सो सोशली. सो what might divide us politically, sir, at least socially we all under your leadership and that of the Prime Minister come together to resolve a malnutrition free India. My grateful thanks to you, Honorable Speaker, sir, for at least allowing me, with your permission, sir. Normally you don't allow any MP, but today you said that jo pehla bar MP bana hai sadan mein, to main pehli bar bani. Us drishti se, sir, आपके सम्मुख मैं ये प्रस्तुत करना चाहती हूँ. वी हैव थ्रू द मिनिस्ट्री फॉर ओनली द न्यूट्रिशन अभियान क्रिएटेड अ होल प्रोटोकॉल दैट जनप्रतिनिधिज कैन अंडरटेक. विद योर परमिशन सर, आई'd लाइक टू शेयर इट विद ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस सो दैट दे नो व्हाट इज द प्रोटोकॉल दैट दे कैन बी अ पार्ट ऑफ. अगेन आई रिएटरेट सर, द फर्स्ट 1000 डेज आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. We in the country are celebrating in conjunction with all states World Breastfeeding Week. Let's begin by protecting our children against malnutrition from the day, the minute they are born. Thank you, sir.